ओके सो हेलो एवरीवन, काफी टाइम से आप लोग का एक कमेंट आ रहा था कि सर आप इतना अच्छा हेयर कट किस तरह करते हो। तो मैं सोचा कि चलो आप लोग के लिए एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए कि मैं जिस तरह एंगल लेता हूँ उस एंगल को क्या कहते हैं जिसे हम अच्छी तरीके से एक प्रॉपर हेयर कट कर पाए। तो आज पूरा डिटेल में जो भी हम हेयर कट करते हैं उसका एक ट्यूटोरियल है कि आप लोग को किस डिग्रीज में कौन सा हेयर कट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम जो हेयर कट करते हैं उसमें हम डिग्रीज का यूज करते हैं। अब डिग्रीज बहुत लोगों को पता होगा जो हेयर स्टाइलिश होंगे, जिन लोगों को नहीं पता तो आज के इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में पता चलेगा कि हेयर कट में जो डिग्रीज यूज किया जाता है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से हेयर कट पर कौन सा डिग्री यूज होगा कि हमें एक अच्छा सा लेयर मिलेगा। तो चलिए चलते हमारे व्हाइट बोर्ड पर और वहां पर सीखते हैं कि हेयर कट को किस तरह किया जाए। लेकिन उसके पहले अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो आज का होने वाला है। हेयर कट से रिलेटेड जो भी आप लोग का डाउट है आज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर और वहां पर देखते हैं कि डिग्रीज कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह हमें एंगल लेना है कि हमारा हेयर कट एक बहुत ही बेहतरीन सा लुक आए। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है हेयर कट डिग्रीज। हेयर कट डिग्री के बारे में आज हम जानेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा हेड का शेप बना हुआ है और यहाँ पर कुछ हेयर कट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो क्या है ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एक प्रोटेक्टर है जो कि हम लोग स्कूल में एक स्केल जो यूज करते हैं वो है, और इस पे जो इस डिग्री पे इस पे जो डिग्रीज लिखी होती है उसी को हम हेड शेप पर यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री और उसके बाद में यहाँ पर आएगा 45 डिग्री और देन उसके बाद यहाँ पर हमारा मिडल में आएगा 90 डिग्री और यहाँ पर आएगा 135 डिग्री और फिर यहाँ पर लास्ट में आएगा 180 डिग्री। तो दोस्तों इसी को समझ लीजिए, ये हेड शेप है हमारा, समझ लीजिए इस तरह का। ये हेड शेप हमारा कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो ये पोर्शन, ये वाला हेड शेप है, ये वाले हेड शेप पे हमारा इस टाइप में हम रखेंगे। और जो हमारा ये टाइप में मैंने देखे इसी चीज को इस तरफ रखा है, इस तरह, यानी कि जब हमें यहाँ का जो ये हेड शेप है, यहाँ का जब हेड शेप हमें कट करना रहेगा तब हम इसको यहाँ पर रख के और फिर कट करेंगे। तो आप लोग को एक दो बार खाली बस याद रखना होगा, उसके बाद आप लोग इजीली समझ लोगे। तो यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा आएगा जब हमारा चांदा जो है इस टाइप में रखेंगे तो इस टाइप में हमारा यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 45 डिग्री, फिर यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, देन उसके बाद 135 डिग्री और फिर यहाँ पर आएगा 180 डिग्री। दोस्तों अब देखिए इसी चीज को मैंने खाली ऐसा खड़ा किया है, तो आप लोग को बस ये दो चीज याद रखें, जब इसको आप इस तरह रखोगे तो ये 180 जो है यहाँ पर आ जाएगा और जब इसको खड़ा करोगे तो ये 180 ऊपर चला जाएगा। तो अब आते हैं हम हेड शेप पर कि हम इसे हेड शेप पर कैसे यूज करेंगे। तो जब हमें यहाँ का एंगल कट करना हो तो आपको इस चीज को याद रखना है कि इस चीज को कैसे करना। तो देखिए जब इसे हम इस तरह रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वन लेंथ हम जब कट करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसा वन लेंथ कट करते हैं, तब यहाँ पर हम वन लेंथ कट करने के लिए यूज करते हैं 0 डिग्री जो कि ये होगा। उसके बाद में जब हमें कोई वेज कट करना हो या फिर ऐसे स्मॉल शॉर्ट कट करना हो, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइप का कोई कट करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री, क्योंकि ये देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एंगल इस तरह आ रहा है और देखिए यहाँ पर भी आप लोग ने देखा ये एंगल देखिए किस तरह बना हुआ है, तो सेम वैसे आएगा, ये होगा 45 डिग्री। बाद में जब ये स्ट्रेट जाएगा तो देखिए ये स्ट्रेट गया है ना, ये स्ट्रेट जाएगा तब यहाँ पर आएगा 90 डिग्री। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग खाली इसको ध्यान में रखते हुए करोगे तो समझ जाओगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एंगल देखिए यहाँ पर गया है, जब इस तरह हम कट करेंगे तो ये आएगा 135 डिग्री, ये एंगल हमारा 135 डिग्री में आएगा। और यहाँ का तो आप लोग समझ ही गए, ये देखिए 0 के ऊपर 180, यहाँ पर आएगा हमारा 180 डिग्री। तो देखिए बस आप लोगों को इस चीज को, ये प्रोटेक्टर जो है इसको याद रखना है, ये स्केल को याद रखना है, आप बहुत ही आसानी से डिग्री में हेयर कट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप लोग ने देखा कि हम इस चीज को जब ऐसा खड़ा करके करेंगे तो इस तरह हम लोग को ये एंगल मिलेगा, सारे एंगल आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन जब हमें ऊपर का कट करना रहे तब कंफ्यूज नहीं होना, इसी चीज को आप लोग को ऐसा कर देना, यानी कि ये चीज को आप लोग को ऐसा रखना है। तो देखिए इसे खाली मैंने ऐसा टर्न किया है, कंफ्यूज नहीं होना, बस टर्न करना है। टर्न करने के बाद में हमें जो ये एंगल है ये मिलेगा 90 डिग्री पे मिलेगा, देखिए ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री पे मिलेगा, ये हमें मिलेगा 45 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर 45 डिग्री हमें मिलेगा, देन उसके बाद 135 डिग्री हमें ये मिलेगा 135 डिग्री। देखिए कितना इजी हो गया। और 0 डिग्री और 180 डिग्री हमें यहाँ पर करने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है, अगर पड़ती भी है तो आगे की तरफ लेकर जब हम कट करते हैं तब, और फिर जब यहाँ पर आगे लेकर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखा आप लोग ने कि इस चीज को खाली मैंने वहां पर खड़ा कर दिया और हमें आसान से पूरा डिग्री पता चल गया कि हमें कौन सा हेयर कट किस लेंथ में लेकर कट करेंगे। तो यहाँ पर जो हेयर कट लिखे हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा डिटेल में कि उसे हमें कौन कौन से हेयर कट में कौन कौन सी डिग्री ज्यादातर यूज होती है।
ठीक है, तो अगर आप लोग को ये पूरा डिग्रीज याद हो जाए तो कोई भी टाइप्स का हेयर कट हो आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो फिर से एक बार बता दूं, देखिए ये है हमारा जो स्केल है वो, और ये है हमारा हेड शेप, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा हेड शेप है। इस हेड शेप को ऊपर रखेंगे और इसी हेड शेप को जब हम इस साइड का कट करेंगे यानी कि बैक साइड का नेप एरिया का कट करेंगे तब हमें इस तरह का स्केल को याद रखना है अपने दिमाग में और बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप हेयर कट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, ये चीज यहाँ पर रखिए और ये कट हो गया। लेकिन जब हमें ऊपर का कट करना रहे, जब हमारा टॉप का जो ये वाला एंगल है इसको कट करना रहे, तब इसी चीज को हम रख देंगे इस तरह, और फिर जो हमारा 90 डिग्री यहाँ पर था वो 90 डिग्री हमारा चला जाएगा ऊपर, और जो 45 डिग्री हमारा नीचे आ रहा था वो यहाँ पर चला जाएगा, और 135 डिग्री हमारा यहाँ पर इस एंगल में आ जाएगा, और 180 डिग्री यहाँ पर स्ट्रेट। समझ गए, तो काफी आसान और काफी इजी स्केल को याद रखोगे आप लोग हेयर कट आराम से कर पाओगे। दोस्तों मैं आपको एक नॉर्मल सा तरीका बता देता हूँ इसको याद रखने का, आप लोगों को ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग को बस ये ध्यान देना है कि आप लोग का जो हेयर का ग्रोथ है वो किस साइड में, जिस साइड में हेयर का ग्रोथ होगा वो साइड में आप लोग का 90 डिग्री होगा, और फिर 90 डिग्री आप लोग को एक बार मिल गया तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। यानी कि जो यहाँ का ग्रोथ है जो हमारा नेप का वो इस तरह का है तो ये 90 डिग्री, यहाँ ऊपर का ग्रोथ ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 90 डिग्री, बस 90 डिग्री आपको मिल गया तो साइड का डिग्री तो आपको याद ही है, थोड़ा सा नीचे करके लेंगे। मैं आप लोग को अभी बताऊंगा मॉडल पर भी करके कि हमें किस तरह हमारा कौन सा शेप में कौन सा हेयर किस साइड में जाएगा। तो अब आते हैं हम हेयर कट पर, जो हमने यहाँ पर देख सकते हो ये पूरे हेयर कट हमने जो यहाँ पर रखे हैं ये हेयर कट पे हम कौन सा ज्यादा से ज्यादा डिग्री यूज करते हैं, तो ये है ब्लंट कट। ब्लंट कट में हम ज्यादातर यूज करते हैं 0 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री को हम ज्यादा ब्लंट कट में यूज करते हैं क्योंकि हम लोग नीचे स्ट्रेट लेकर, और इसे देख सकते हो कि अब जब इस तरह हम लोग पूरा शेप देते हैं पूरा स्ट्रेट लुक में, यानी कि वन लेंथ भी बोल सकते हो, वन लेंथ में हम पूरा ब्लंट कट करते हैं तो वो 0 डिग्री उसमें ज्यादा यूज होता है। देन उसके बाद में आता है यहाँ वेज कट। वेज कट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री यूज करते हैं, जो हम फिंगर को इस तरह करके कट करते हैं ना, तो ये हो 45 डिग्री हमें ज्यादा यूज होता है हमारा वेज कट में। अब आते हैं लेयर कट। अब ये ब्लंट कट और वेज कट में तो चलो 0.45 हो गया, जब हमें लेयर कट करना हो तब नेचुरल ग्रेजुएशन हो या फिर किसी भी टाइप का लेयर हो, अगर आप लोग को नॉर्मल सा लेयर ऐड करना है बैक साइड में तब आप लोग 90 डिग्री में खाली यूज करिए, 90 डिग्री में आप लोग को लेयर काफी अच्छी मिल जाएगी जितना कि आप लोग को चाहिए। लेकिन अगर कोई कोई क्लाइंट आता है कि उन्हें अनलिमिटेड लेयर चाहिए, अनलिमिटेड यानी कि काफी ज्यादा मल्टी लेयर्स बोलते हैं जिसे, तो उसके लिए आप लोग 135 डिग्री यूज करोगे। जी हाँ दोस्तों, 135 डिग्री आप लोग इसमें यूज करोगे, और आप लोग अगर एडवांस जब धीरे धीरे सीखोगे तब इन दोनों डिग्रीज को भी यूज करके आप लोग और ज्यादा अनलिमिटेड लेयर्स ऐड कर सकते हो। फिलहाल तो आप लोग खाली नॉर्मल तरीके से समझ जाइए कि 135 डिग्री हमें कहाँ यूज करते हैं। देन उसके बाद में जब हमारा एडवांस कट आता है तब एडवांस कट में आप लोग को ये तीनों चारों डिग्री यूज करके और 180 भी इसमें ऐड करोगे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सा कट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर नॉर्मल खाली 180 भी करते हो तो भी आप लोगों को लेयर मिल जाता है, लेकिन एडवांस में जब जाओगे तब तो 90, 135, 180 डिग्री जब ये तीनों यूज होगा एक ही लेन पर एक ही कट पर तब तो बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड लेयर्स मिलता है। तो ये आप लोग को धीरे धीरे जब आप लोग कट करोगे तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो समझ में आया, यहाँ पर ब्लंट कट करने के लिए 0 डिग्री, देन उसके बाद वेज कट करने के लिए 45 डिग्री हो जाता है, लेयर कट नेचुरल ग्रेजुएशन वगैरह करना हो तो 90 डिग्री में हो जाता है, मल्टी लेयर डालना है जो 135 डिग्री, और देन उसके बाद में आता है हमारा एडवांस कट में आप लोग 2 डिग्री या फिर खाली 180 भी करोगे तो आप लोग का अच्छा खासा लेयर मिल जाएगा। बस आप लोग को ग्रिपिंग का ध्यान रखना है और हाँ गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जाना है, और गाइडलाइन तो आप लोग को जब आप लोग हेयर कट करोगे हेयर कट सीखोगे तो आप लोग को गाइडलाइन पता चल जाएगी गाइडलाइन कौन सा कब लेना है। लेकिन आप लोग को नॉर्मल तरीके से खाली ये समझ लेना है कि डिग्रीज कौन सी होती है और किस एंगल में कट किया जाता है, बाकी ग्रिपिंग वगैरह तो आप लोग को धीरे धीरे वो कट करते समय सीख जाओगे। तो आई होप कि आप लोग ये पूरा डिग्रीज जो मैंने बताया है वो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके सो आई होप कि आप लोग को ये पूरा डिटेल में पता चल गया होगा जो हमने हेयर कट के लिए डिग्रीज यूज करते हैं वो किस टाइप में होता है और किस तरह करते हैं। समझ गए, 90 डिग्री यहाँ का ऊपर होता है और यहाँ का 90 डिग्री बैक साइड में आता है, तो पूरा डिटेल में आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस इस 90 डिग्री को याद रखिए और उसके बाद में आप लोग आसानी से डिग्री का यूज कर सकते हो, और स्केल को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि विदाउट स्केल आप लोग डिग्रीज के टाइप में नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को याद रखिए और बहुत ही आसानी से आप अपना कोई भी हेयर कट हो उसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अभी तो बहुत सारे हेयर कट से रिलेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं, जिससे कि आप लोग का जो भी हेयर कट से रिलेटेड डाउट है क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गया है
तो कमेंट्स करिए दोस्तों, कमेंट्स में आप लोग को जिस भी हेयर कट से रिलेटेड प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स करिए, उस पर मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो लेकर आऊंगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्तों काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक करिए और अपना प्यार दिखाइए। इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।